नमस्कार। महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने आज ही के दिन 18 जनवरी 2003 में 95 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेखकों की फहरिस्त में अलग पहचान रखने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक और मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि पर पेश हैं उन्हीं की मधुशाला के कुछ अंश। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता। एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला। कवि साखी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला। मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला। पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला। हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला। हाथ पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने खींचा। व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला। रहे फिरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला। और लिए जा और पिए जा, इसी मंत्र का जाप करे। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला। बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला। लुटे खजाने नरपितियों के गिरी गढ़ों की दीवारें। रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे यह मधुशाला। सुस्वर कविता मधुशाला की लेकर मादक हाला। भर भर जाम पिलाया सबको, अब तक छलक रहा प्याला। कविता हाला से पाठक को बना दिया मतवाला। कवि बच्चन की पुण्यतिथि पर आज मायूस हो गई मधुशाला। मायूस हो गई मधुशाला।